जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सिंघानिया ब्रदर्स में आप सभी को स्वागत है। एक छोटा सा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस आज आप लोगों को सिखाएंगे, जिसका कुछ फिगर आपके पास हम बना दिए हैं पहले ही। और ये फिगर अभी मत ऐसा ही आपको फिगर नज़र आएगा और इसी पर आप लोगों को डील करना है। और आप लोग को टाइप टू टाइप क्वेश्चन कराएंगे, एकदम टाइप टू टाइप, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, उसके बाद फिर पीडीएफ देंगे और पीडीएफ का सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, इसी टाइप का फिगर आएगा, और फिगर आएगा कब, जब क्वेश्चन आपके सामने होंगे और उस समय बनाएंगे, तो यही पाँचों फिगर ही बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं शुरू से। सबसे पहला नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस में एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री, और एक यहाँ थीटा होगा और यहाँ एक थीटा होगा। तो सबसे पहले नंबर तो समकोण त्रिभुज होंगे, और समकोण त्रिभुज में इस थीटा को हम कहेंगे, ये थीटा को उन्नयन कोण कहेंगे। आप लोग याद रखना, उन्नयन कोण, इसको उन्नयन कोण कहेंगे। और ये देखो, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला, इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है, उन्नयन कोण और अनमन कोण आपस में बराबर होता है। यही ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लो भाई, बराबर का यही लगा लो। उन्नयन कोण और अनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर ये अगर 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होता है, तो देखिए, हम लोग कहते हैं जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो कहेंगे, दो समानांतर रेखा पर एक त्रियक छेदी रेखा, चाहे त्रियक रेखा काटे, तो कहेंगे एकांतर कोण बराबर होता है। जैसे थीटा यहाँ वन है, तो यहाँ भी थीटा वन होगा। इसके कारण से ये उन्नयन कोण और अनमन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये होना चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसी पर, अब देखो, सबसे पहला नंबर तो आप कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये अगर 90 होगा तो एक ये 60 डिग्री बनेगा और ये एक 30 डिग्री बनेगा। अगर यही चीज हम कहेंगे, अगर ये 90 है और ये अगर 30 डिग्री बनेगा, तो ये 60 डिग्री बनेगा। फिर कहेंगे आप लोग, अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री बनेगा। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज में इससे अब ज़्यादा एंगल आपके पास नहीं हो सकता। तो आप लोग बस एक चीज़ यहाँ से याद कर लो, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपात याद कर लो। डायरेक्ट अनुपात इसका होता है 1:√3:2। अब एक और याद कर लो भाई, 45 90 डिग्री का भी अनुपात याद कर लो, 1:√2 होगा। सबसे पहले नंबर, ये होता कैसे है इसके बारे में भी जानकारी ले लेना है, ये होगा कैसे। तो देखो हम बताते हैं, अगर ये 60 है और ये 30 है, तो आप कहेंगे टैन ले लो, टैन।
अब टैन अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री लिए तो टैन 60 मतलब टैन का वैल्यू आप लोग को याद होगा कि पी बट्टा में बी होता है। अब टैन 60 का वैल्यू पी बट्टा में अगर बी होता है तो आप स्पष्ट कह सकते हैं इसका वैल्यू रूट 3 होगा। अब बराबर में पी बट्टा में बी, क्या इसके नीचे एक हो सकता है? तो आप आसानी से ये बात कह सकते हो b का वैल्यू, तो ये देखो b का वैल्यू यहाँ से एक हुआ और p का वैल्यू यहाँ से रूट में 3 हुआ। और आप लोग को इतना जरूर पता है थीटा के सामने वाला को भुजा कहते हैं, नहीं? तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों से h का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना? 2। और h का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है ना? अब इसका यहां है, देख लो। अगर आप लोग ये बात कहने वाले हैं, क्या बताओ अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? यहां 60 है तो 60 है तो यहां अब आ जाएगा रूट में 3 और यहां आ जाएगा 1, क्योंकि इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है और इसके सामने वाला ये है। क्लियर? अब आप लोग कहेंगे सर टैन 45, तो उसी तरह से आप टैन 45 को भी रखोगे तो टैन 45 मतलब बी बटा में एच, बी बटा में पी होता है। अब इसका वैल्यू, अब टैन 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, तो इसके नीचे भी 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके मतलब समझिए ये 1, ये 1 होगा। आप कितना लोग सोचते होंगे कि सर साइन क्यों नहीं रखे, साइन आप 60 क्यों नहीं रखें, आप कॉस 60 क्यों नहीं रखें? आप लोग कितना लोग ये बात सोचते होंगे। तो कॉस साइन कुछ भी रख लो ये बनेगा। जैसे हम देखो साइन 60 के रख के बनाते हैं, साइन 60 का वैल्यू आप लोग को याद है, ऊपर होगा पी और नीचे होगा एच। यहां तक सब लोग को याद है? साइन 60 का वैल्यू बताओ रूट 3 बट्टा में 2 होता है ना। अब देखो तो खुद से ऊपर पी नीचे एच है, तो अब यहां खुद बताओ कि पी का वैल्यू कितना? रूट 3। और एच का वैल्यू कितना? 2। क्या ये रूट 3 है, ये रूट 2 है? पाइथागोरस प्रमेय से 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो आप लोग साइन 60 से कॉस 60 से जिससे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए ये चीज आप लोग निकालने का कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट आप लोग ये दोनों याद कर लो कि 30, 60, 90 का वैल्यू 1:√3:2 होगा, 45, 45, 90 का वैल्यू 1:1:√2 होगा, याद कर लो। चल अब देखिए इस टाइप पर क्वेश्चन पहले कर लें। चलिए टाइप 1 पर जितना भी अब क्वेश्चन है अब करा देते हैं हम आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले नंबर तो पेड़ की ऊंचाई पता नहीं, तो पेड़ की ऊंचाई इसको मान ले। अब पेड़ तो बना नहीं सकते, पेड़ नहीं बना सकते, तो इसी को कह दिए पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई ये है तो छाया इसका इधर पड़ेगा, नहीं तो इधर पड़ेगा। चलो भाई इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो छाया को इधर लेकर गए, और छाया पड़ेगा कहाँ भाई? तो धरती पर, जमीन पर। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से बना दिए तो देखो एक ट्रायंगल बन गया, वही समकोण त्रिभुज बना ना। अब वह क्वेश्चन में बोला कि उसका सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना, तो भाई उन्नयन कोण तो यहाँ नहीं होता है, ऊपर में तो उन्नयन कोण नहीं होता है, उन्नयन कोण नीचे हो गया, इसको लिख दो 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो आप आराम से बोलोगे कि ये 30 डिग्री होगा सर, और ये कितना? तो 90 डिग्री।
अब आप लोग बता दो क्या हम अभी 90, 60, 30 का वैल्यू याद करवाए हैं? तब बोलिएगा हाँ। 30 का वैल्यू क्या याद किए भाई आप? 1। 60 का वैल्यू क्या याद किए भाई आप? √3। अब बताओ 90 का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 2। वाह बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, ये चीज़ लिख लेने के बाद अब आपको बस इसमें ध्यान देना है कि एक निश्चित राशि होगा। जैसे देखो किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर। देखो पेड़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की छाया यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ से ये पेड़ की क्या है? छाया है। और पेड़ की छाया कितना? तो कहेंगे 16 मीटर। पेड़ की छाया कितना? 16 मीटर। यही मेरा निश्चित राशि है, ठीक है? अब रुक जाओ, बनाएंगे कैसे? कहेंगे पेड़ की छाया का तुलना पेड़ की छाया से। अब बताओ तुलना मतलब क्या हुआ? तो यहां से यहां तक हम लोगों के अनुसार कितना आया भाई? 1 आया। तो कह देंगे यही पेड़ की छाया यहां 1 है, अब प्रश्न में पहले से दिया था 16, यही 16 का तुलना 1 से। तुलना मतलब भाग देना, समझ में आया सभी को? और जिसे ज्ञात करना उसे गुणा कर देंगे, जिसे भी ज्ञात करना उसे गुणा कर देंगे। तो अगर पेड़ की ऊंचाई कहेगा तो आप √3 से गुणा कर देना, समझ में आया? अगर आपसे यह बात कहता कि पेड़ की ऊपरी बिंदु और छाया की लास्ट बिंदु के बीच की दूरी बताओ तो 2 से गुणा कर देते। एक बार में आंसर आपके पास आया 16√3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची मीनार से सूत्र की नाव देखता है। सबसे पहले नंबर तो मीनार तो हम बना नहीं सकते हैं, तो मीनार तो इसी को कह सकते भाई, ये क्या है? तो कहो मीनार है। अब बताओ मीनार कितना? तो 180 मीटर ऊंची है, ठीक? चलो बहुत बढ़िया। जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री है भाई, जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री है, और तदनुसार वह नाव उस मीनार के पाद तल से कितनी दूरी पर है भाई? नाव मान लो कि पानी है, अब पानी है तो पानी जैसा नहीं बना सकते हैं, तो मान लिए कि नाव यहाँ है, ठीक है? नाव यहाँ है, तो ये हो गया मीनार की नीचे की बिंदु, इसको पाद तल कह सकते हैं, और इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा आपसे। तो सबसे पहले नंबर तो आप लोग बताओ भाई, इसमें तो उन्नयन कोण तो दिया नहीं है। अब उन्नयन कोण नहीं दिया है, मगर आपको इतना जरूर पता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहां लिख देंगे भाई 60 डिग्री। उन्नयन कोण अवनमन कोण में कोई फर्क नहीं। चलो ठीक, 60 डिग्री लिख दिए। अब बताओ ये जैसे 60 लिखेंगे तो आपके मन में ये बात चलने लगेगा कि यहाँ 30 होगा और यहाँ 90 होगा, तो फटाफट रेशियो लिख लो। रेशियो यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा और यहाँ 2 होगा, ठीक? अब बताओ आपके प्रश्न में 180 मीटर ये जो है क्या है? बताओ 180 मीटर जो है इसकी लंबाई है कि इसकी लंबाई है, आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो बताओ आप कहेंगे मीनार की ऊंचाई है ये 180, तो मीनार की ऊंचाई का तुलना मीनार की ऊंचाई से, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, मीनार की ऊंचाई के तुलना मीनार की ऊंचाई से, छाया की लंबाई के तुलना छाया की लंबाई से। आप लोग खुद पढ़ते समय ये पता लग जाएगा ये है किसका, ठीक है? और जिसे ज्ञात करना उसे गुणा कर देंगे भाई, किसी भी प्रश्न हो, कोई भी एक प्रश्न हो, उसको तो ज्ञात करना है, और जब ज्ञात करना है तो डायरेक्ट कहेंगे जिसे भी ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। तो मान लिया जाए आपसे कह दिया कि देखो ये मीनार की हो गया क्या नीचे की बिंदु, ये पाद तल हो गया और यहाँ नाव है, तो ये मीनार और नाव के बीच की दूरी आपसे पूछा, तो बताओ कितना? तो 1, ये 1 है। तो अब इसी को हल कर लोगे तो कह सकते हैं 60√3। क्लियर? इसको हल कर लेंगे परिमेयकरण करके, ठीक है?
अच्छा किन्हीं को ऐसे भी दिक्कत होगा तो लिखो, लिख देते हैं 160 बट्टा में रूट तीन, इसको परिमेयकरण करोगे तो अब बताओ ये रूट तीन हो जाएगा तीन, तीन से काटोगे तो 60, तो 60 रूट तीन हुआ। अब तो दिक्कत नहीं है किन्हीं को, चलो बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, एक पेड़ आंधी में टूट गया और उस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका। तो समझ गए भाई, पेड़ तो कितना बड़ा हमको पता नहीं, मगर ये जानते हैं आंधी से टूटेगा तो कहीं ना कहीं बीच से ही टूटेगा, और बीच से जाकर टूटा और जाकर धरती पर गिरा, और धरती पर गिरा तो 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाया। देखो धरती पर गिरा तो 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाया। अब बोला और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। लो पेड़ की जड़ तो यहाँ है और जहाँ जाके गिरा उसके बीच की दूरी 30 मीटर, तो ये तो भाई 30 मीटर हम लोग को पता है, ये कौन राशि, निश्चित राशि हो गया। चलो ठीक, ये जैसे 30 पता हुआ तो आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि ये सर कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 60, कितना होना चाहिए 60। तो अब यहां 60 लिखने के बाद आप बोलेंगे यहां से 90, क्लियर। अब जैसे 90 बोलेंगे तो फटाफट रेशियो, अब रेशियो लिखने में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, हम फटाफट लिखते हैं जैसे वैसे भी आप भी लिखे। अब बताओ ये 30 किसका था, तो ये पेड़ की जड़ से और इसकी यहाँ तक गिरा हुआ था उसका दूरी था, तो इसका दूरी का तुलना रूट तीन से, और जिसे ज्ञात करना उसे गुणा कर देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है पेड़ की, तो भाई पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ही नहीं है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक नहीं है, पेड़ की ऊंचाई ये भी है। देखो क्योंकि आधा से ये गिरा था तो ये भी ना हुआ, तो कहेंगे 1, 2, 3 से डायरेक्ट गुना। आप इसको कह सकते हो, इसको कह सकते हो कितना, तो 30√3, समझ में आया, 30√3 परिमेयकरण करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 4 नंबर पे आ जाओ। एकदम बेसिक्स होगा, टाइप वाइज होंगे और रोज आपको ये 8 बजे मिलेगा, शाम को 8 बजे, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर से चल रहे हैं। लो अब एक ही जहाज था, अब दो जहाज हो गए। मान लिया जाए कि ये आपका मीनार हुआ, समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ मतलब मान लो कोई खंबा हो चाहे मीनार हो पहाड़ हो, यही कह सकते हैं आप प्रकाश स्तंभ, ठीक है बहुत बढ़िया। दोनों ओर से चल रहे हैं, अब बताओ नाव जो है दोनों ओर से चल रहा है, एक नाव मान लो यहां से, ठीक है, और एक नाव मान लो यहां से, ठीक है, दोनों ओर से ये चल रहे हैं। अच्छा दोनों ओर से चलेंगे तो इसके ही ओर आएंगे, ठीक है ना, अब क्लियर समझ में आना चाहिए आप लोग को यहां से बात। अब बोला दोनों पोत से देखने पर प्रकाश स्तंभ की शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और कितना 45। लो इसका एगो के उन्नयन कोण हुआ कितना 30 और एगो के उन्नयन कोण कितना हुआ 45। लो यहां हो गया 45, ठीक ओके। अब आप कहेंगे यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो, ये जो ये देखो ये प्रकाश स्तंभ था ना, ये प्रकाश स्तंभ ये कितना मीटर ऊंचा है तो 100 मीटर है, क्लियर। इसको हम लिखते नहीं है, मतलब आप लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो मन ही मन सोचें।
तो दोनों पोत के बीच की दूरी बताओ। लो यहां से लेकर अब आप लोगों की यहां तक की दूरी पूछ दिया। तो लो आप लोग भाई एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे पर ध्यान दीजिएगा। क्या हम अब बताओ इसको दो पार्ट में नहीं हम बांट सकते हैं? दो पार्ट मतलब देखो ध्यान से देना, एक छोटा सा फिगर फिन बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। क्या इसको हम इसको एगो ऐसे कर दिए एगो ऐसे कर दिए, देखो दो पार्ट में कर दिए। ये देखो ये हो जाएगा कितना डिग्री 60 और ये कितना 30, ये 45 और ये ये तो 90 होगा ना, ये 45 होगा। क्लियर? दो पार्ट में हम इसको बांट दिए, इस दो पार्ट में हो गया भाई। अब बताओ ये दोनों को सटा दोगे तो ऐसा बन जाएगा, ये दोनों को सटा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात चल गया ये दो पार्ट में है, तो एक पार्ट से ये एक पार्ट से यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल लो। देखो यहां दे दिए, लो एक पार्ट से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक। क्लियर? अब बताओ ये कितना डिग्री 90, 90 ये हुआ तो ये बताओ कितना हुआ 60। क्लियर? अब जैसे 60 हुआ तो आपके मन में अब चलेगा निश्चित राशि कितना जी 100, निश्चित राशि कितना 100 दिया है प्रश्न में देख लो, हाँ 100 हुआ ये। अब जैसे ये 100 हुआ तो आप बोलेंगे कि सर ये तो रूट 3 है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या होगा 1, इससे हम देखें तो इससे देखें तो ये 1 हुआ और इससे देखें तो ये रूट 3 हुआ। तो आप बताओ हल कर लेंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा, ये रूट 3 आ 1 निकालेंगे। यह समझना, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से आप लोग को एक बात और ध्यान देना है, ये होगा ये आप लोग ये 100 है और 1 से होगा, क्यों? क्योंकि ये स्तंभ की लंबाई है तो स्तंभ की लंबाई का तुलना स्तंभ की लंबाई से यहां तक की दूरी निकालना है तो रूट 3 से। चलो हो गया, अब रुको फिर प्लस थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते, ठीक है? अब इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये 45 है तो बताओ ये कितना होगा भाई, ये भी तो कहोगे 45 तो ये कितना होगा 90 होगा कि नहीं? अब 45 में क्या होता है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्लियर? अब 1 होगा इसके मतलब ये जब 100 होगा तो ये भी 100 होगा ना, 100 ये भी 100, तो इसीलिए डायरेक्ट यहां 100 लिख दो, नहीं तो 30 को भी करना है 100 बट्टा में 1 गुना 1, मतलब स्तंभ की लंबाई का तुलना स्तंभ की लंबाई से और यहां से यहां तक की दूरी निकालना है तो 1 से गुना। इतना तो आप सबको आ गया होगा भाई। अब इसी को हल कर लेंगे तो कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी, अब आप लोग कह सकते हैं इस 100 रूट 3 है अब प्लस 100, तो जोड़ जाड़ के आप लोग ला सकते हो भाई आंसर, इसका हो जाएगा 173 प्लस 100, इसका 73 हो जाएगा 173 प्लस 100 तो आंसर हो जाएगा 273। चलो नेक्स्ट, तो लीजिए इस एकदम जस्ट इसी के जैसा ये क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, एकदम आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फिगर बस चेंज रहेंगे और कुछ नहीं। किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले नंबर तो आप लोग कहेंगे कि एक अधूरा खंभा है, चलो ठीक, अधूरा खंभा से यहां तक ऐसे डाल दो। अब ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण 30 डिग्री का, एक अधूरा खंभा से उन्नयन कोण का 30 डिग्री का कोण बनाता है और आधार से कितना दूरी पर है 150 मीटर, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी तो हम समझ गए 150 मीटर। समझ में आया ना, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 150 मीटर। चलो भाई हम समझ गए, आप ध्यान में देना। आगा बोला क्वेश्चन में उस खंभे की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाना चाहिए, तो बताओ इस खंभे की अब ऊंचाई हम कितनी बढ़ा दे ताकि मेरा
उन्नयन कोण आपका कितना हो जाए, तो 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। यही क्वेश्चन है भाई। ठीक, आप बताओ यहाँ से यहाँ तक के तो 150 पता है, चाहे 30 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, 150 यहाँ के दूरी है। ठीक है, एक बार इस फिगर को फिर से देखो, बना के दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से यहाँ तक एगो ऐसे कर दिए, देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया से देखना। अभी ये देखो, ये 45 है और ये 30 है। क्या ये वाला फिगर को उठाकर इसी में रख देंगे तो जस्ट ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं, पहले बताओ। ये वाला फिगर को उठाकर इसी में रख देंगे तो जस्ट इसके जैसा बनेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे बनेगा। तो हमने कुछ किया नहीं, एक बार ये 30 है, ये 60 है, ये 90, ये भी 90, तो ये कितना होगा, 45 होगा। तो आप लोग या तो एक बार इसको निकाल लो, एक बार इसको निकाल लो, और निकालने के बाद अब आपसे पूछा यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो यही दूरी आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन में यह भी पूछा है, क्वेश्चन में कि हो जानी चाहिए ताकि उसकी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा, और कितनी ऊंचाई बढ़ानी चाहिए यही आपसे पूछा है, कितनी ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। तो अब सबसे पहले नंबर तो आप लोग को ये तो फिक्स हो गया, पता चल गया। अब हम आपको बना के दिखाते हैं, पहले नंबर इसको बना के दिखाओ, इसको इसको बना के दिखाएंगे तो आप कहेंगे ये रूट 3 होगा और ये कितना कहोगे, 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या कहोगे, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहां कितना कहोगे 2, यहां कितना कहोगे रूट 2। ये तो क्लियर है सब लोग को। अब देखो अब क्या होने वाला है, इसका भी आधार 150, इसका भी आधार क्या है 150। क्लियर, तो अब हम आप लोग कह सकते हैं जब ये 150 तो 150 तो ये भी 150 ना, ये दोनों जब बराबर है, एक अनुपात एक का अर्थ क्या होता है बराबर, जब ये 150 तो ये भी 150 होगा, तो डायरेक्ट कह सकते हैं बड़ा वाला निकल के आया 150। क्लियर, अब प्लस नहीं, प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस, क्योंकि आप बोलेंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे तब यहां से यहां तक की दूरी निकलेगा। क्लियर, तो अब इसको निकाल के दिखाते हैं भाई, यहां से यहां निश्चित राशि हुआ, ये किसका निश्चित राशि है, तो आधार का, और आधार पहले से आपके पास क्या है रूट 3, और हमको निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो एक से गुणा करो या ना करो बात तो बराबर है, तो अब इसी को तो बना लेना है। अब बना लो आप लोग इसको, तो देखो बनाकर दिखाते हैं, दिखा देते हैं, हम बनाकर दिखा भी देते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 50 रूट 3। अब बताओ तो इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो 150 नहीं, इसमें से 50 कॉमन निकलेगा तो 3 माइनस 1.732। अब इसी को हल कर लो तो 6.342 ऐसे समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो टाइम और जितने चीज हम आपको बताएं समझ में आया या नहीं आया, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मेरा चैनल को शेयर करेंगे और